अज़बल मिनिशैतरजीम रहीम नाजरीन, नाजरीन मकरम नाइनटी टू न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम सुबह नूर में ऊलामोीनद्दीन निज़ामी आपकी मेज़बानी की सदत हासिल कर रहा है मेरी जानब से और मेरे तमाम साथियों की जानब से आप और आपके अहल ख़ाना को सलाम और दुआ हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहम की तालीफ़ असमानबीकरीम सईम से, लिक्रीम से सरवर आलम का एक इसम मुकर्रम सुनने की सदत हासिल करते हैं सदना हमारे सरदार साहिब शरीय सलाम भेजे अल्लाह तला आप पर आपकी आल पाक पर और आपके साहब के राम पर एक हदीसी मुबारक सुनने की सदत भी हासिल करें हज़रत सदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लामा से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह रसुल्ला सला वसल्लम से पूछा या रसूल्ला सल्ला वसल्लम कौन सा अमल सबसे बेहतर है आप सल्ला वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना हर एक को सलाम करना ख़ाह उससे आपकी जान पहचान है या नहीं है ये सबसे अफज़ल आमल है नाजरीन ग्रामी आज हमारा मौजू हज़रत सैदुना इमाम आबिदीन आलाम है आपकी ज़िंदगी मुबारक आपकी खिदमत, आपका अजमाना किरदार मैदान करबला में कोफ़ा शाम में उसके बाद मदीना मनवरा में हसनी रंग में जिस तरह आपने फ़रोग़ इस्लाम के लिए कोशिशें और हक का झंडा बुलंद करने के लिए आपकी सारी मसाई सारी ज़िंदगी उस पर हम बातचीत करेंगे अभी हमने जो दरुद ताज सुना इसमें रसूलुल्लाह रसूल सल्ला वसल्लम की जो सिफात बयान की गई हैं सिवाय अमर नब के तमाम सिफात ऐसी हैं जिनमें हज़रा अहल बैत और अहम अतहार को वाफर हिस्सा मिला है वो तमाम फ़ज़ीलतें रसुल्ला सल्ला वसलम के बाद मंतकिल होती हुई अहल बैत इतहार में आई हैं इसीलिए तो वो हमारे लिए शम हदायत बने मीनार नूर बने हमारा वसीला निजात बने हज़रत इमाम आबिदीन की ज़िंदगी हमारे लिए कई हवालों से सबक आमोज़ है और उस पर हमारे माहरीन गुफ्तु फरमाएँगे मुझे ये अर्ज़ करना है कि आपका जह दो वरा रियाजत खशियत इलाही महब्बत लाही सब्र इस्तकामत, तहमल और बुरदबारी सखावत ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें हज़रत रसूल करीम सल वसलम की ज़ात वाला सिफ़ात में हज़रत फ़ातिमा हज़रतमरतज़ा हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की जवात मुक़दसा में यकजा मिलती हैं और ये उन्हीं की तोसी हैं, उन्हीं की एक्सटेंशन हैरत इमाम जैन मेरे पास अगर अरबी के मशहूर शायर फ़्रस्तक जैसी कादरकलमी होती उतना वालहाना अकीदत और मोहब्बत होती और उतना ख़ूबसूरत अंदाज में मैं खराज तहसिन पेश कर सकता तो बारगा इमाम जैनिद्दीन में उसी तरह का हदिया नज़र अक़ीदत पेश करने की कोशिश करता आज हमारी ये जो हाज़री है दरअसल उनके तजकरे की मुनासिबत से अपने ईमान को ताज़ा करने की एक कोशिश है और ये याद दहानी करवाने की कोशिश है कि अहल बैत वो हबल मतीन हैं जिनको मजबूती से थाम के रखना तमाम मुसलमानों पर लाजिम है और उनकी इतात भी हम सब पर लाजम है हज़रत इमाम जैन आबिदीन में हसनी रंग भी बदरज कमाल मौजूद है और हुसैनी रंग भी बदरज कमाल मौजूद है आप अम्मा के यानी अबोलाम्मा कहें तो ज़ाहिर है तमाम अम् कराम आपकी औलाद पाक में से हैं रसूलुल्लाह रसोल्ला सल् वसल्लम के गुलिस्तान के ये सर्वे रवान जिनको हज़रत इमाम जैनलाब्दीन कहते हैं हमारे लिए उतने ही काबिल मोहब्बत और काबिल अहतराम हैं जितने दीगर अम् कराम बल्कि बाज़ एतबारत से तो हज़रत इमाम जैनदीन की सरत बहुत ही गैरमूली अहमियत रखती है इस खूबसूरत मौजु पर ईमान अफरोज़ मौजुअ पर गुफगू करने के लिए आज हमारे साथ जो मज्ज़ मेहमान फरमा हैं मैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ की ख़िदमत में तो हमारे पहले मेहमान मोहतरम जनाब पीर कमर शगुर अहमद साहब हैं नाजरीन आप इनकी शख्सियत से और इनके अंदाज़ गुफ्तु से इनकी फहमो फ़रासत से और इनकी इिलमियत और फ़ज़ीलत से बखूबी आगाह हैं हमारे दूसरे मेहमान मोहतरम डॉक्टर शब्बी अहमद जामी साहब हैं जिनका तखसस दीनियात इस्लामियात तारीख़ इस्लाम और अलल खसूस तसवफ़ है आप भी सुबह नूर में हमारे मेहमान बनते रहते हैं और हमारे नाजरीन आपको भी बखूबी पहचानते हैं और जब आप तशरीफ़ नहीं लाते तो आपको मिस भी करते हैं हमारे तीसरे मोहतरम मेहमान मोहम्मद अश्फाक मदनी साहब हैं अशाक मदनी साहब की शख्सियत में अल्लाह ताला ने इल्म और अमल की और तहर्रक की वह सफ़ात रखी हैं जिनकी आज हमें बहुत ज़रूरत है खूस इतहाद मुसलम के लिए और इस्लाम को दरपेश असरी चैलेंजेस को समझने और उसको बेहतर अंदाज़ में एड्रेस करने की सलाहियत ये हमें इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है मैं फर्दन फर्दन आप तमाम मेहमानों का तह दिल से शुक्र हूँ आप तशरीफ़ है। तो लाते हैं तो ये बजम सजती है अगरचे आपके लिए भी बायस स है लेकिन आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए ज़्यादा बायस शादत है और हमारे नाज्रीन के लिए कि आपके तवसत से हमें वो फ्यूज़ और बरक़ात हासिल होती हैं जो अहल बैत अतार के ज़िक्र से जुड़ी हुई हैं मैं पहला सवाल करता हूँ मोहतरम पीर कमर शक्ूर अहमद साहब से कि आप बख्तसार हज़रत इमाम जैन बद्दीन का तारफ़ करवाइए अगरचे वह तारफ़ के मोहताज नहीं हैं उनके कुछ फ़ज़ाइल से आगा फ़रमाइए कैसे कैसे उनके अलकाव है तारीम व तरबियत कैसे हुई क्या क्या कमाल उनकी शख्सियत में हमें नज़र आते हैं बिस्फील रहीम बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम हज़रत इमाम जैनिदीन अल्लाम के तारीख़ विलादत की मुनासिबत से है और मैं आपकी खिदमत में और अपने चैनल और सारी टीम की खिदमत में इस हवाला से मुबारकबाद मुबारक <tasi> <आ, जीज़। tasi> बहुत ही हज़रत इमाम जैनिदीन अल्लाम की ज़ाते वाला शान वो मुबारक हस्ती है जो सैदा शबाब यहन्ना हज़रत इमाम हुसैन अल्लाम और हज़रत बीबी शहरबानों के नूर चश्म हैं सुबह और अजमत आपकी ये है कि बाप वालद गिरामी भी जवाना ने अहलन्ना के सरदार हैं है है। चचा भी जवाना जवान अल्ण के सुभान। सुभान। सरदार हैं दादी जान भी ख़वातिन जना की सरदार हैं दादा जान सुल्तानुल अलौलिया हैं और आपकी तशरीफ़ आवरी की ख़बर देने वाले सुल्तानुल सुल्तानलम्बिया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह की मशहूर रिवायत जी कि वह आका की बारगाह में हाज़िर थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन से प्यार करते हुए फ़रमाया जाबिर अल्लाह मेरे इस छोटे बेटे को एक बेटा अता फ़रमाएगा इसका नाम तो अली होगा लेकिन वो इस क़दर इबादत गुजार होगाबिदीन के लक़ब से मारूफल से बारत से ये मुबारक लकब नाम भी आखा सल्हम ने और शान भी आखा ने फरमाई बिलादत बसादत के सन के हवाला से कुछ एक दो कौल और भी हैं लेकिन मशहूर कौल जो मह़ हमारे सुन्नत के अलामा इब्न हजर मक् रहामत ने और दीगर बुज़ुर्गों ने जिसको बयान किया अड़तीस हिजरी है अच्छा इस हवाला से दो साल हजर मक्की ने तो बाकायदा ये लिखा कि दो साल हजरत अमीरमिन मोमत की आगोश तरबियत आपको रहने का मौक़ा मिला और मैं अगर यूँ अर्ज़ कर दूँ तो ये और ख़ूबसूरत हो जाएगा कि छोटे अली ने दो साल बड़े अली की मारगा बब मदीना तो इलम की जीनत बने और उस आगोश से अपना हिस्सा वाफिर जो था वो इल्म का वो आपने हासिल किया भी शे, भी शे, और फिर वो फैज़ आपकी पूरी ज़िंदगी में मुहित हमें नज़र आता है कि आप किस तरह कुरान हदीस के मारिफ को बयान करते हैं किस इस के साथ और इतने आसन तरीक़ा के साथ आप जो है रसोल्ला सल्ला वम की मुबारक सुन्नत का महर कामिल बनकर पूरी कायनते इंसानी के सामने आते हैं कि हज़ूर के फरमान का एक एक लफ्स जो थे ही सदक़ अमीन एक एक लफ्स सादक होकर हज़रत इमाम जैनदीन आसमाम की शान इस हवाला से है कि बाप जवान जन्ना का सरदार शहजादा कौन मकॉँ और माँ ईरान की शहजादी होने के अतबार से मारूफ है गोया दो खुलासा अरब अजम खुलासा अजम भी और <laughs> नफासत का आला भी और वो पाकिज की वो तहारत किरदार की न सिर्फ ज़ाहिर की बल्कि बातन की कि खान वाद नबूत का मुबारक नूर जो है वो रगों में गर्दश कर रहा है तो पाकिजगी और तहारत की और हजरत हाफ इबन कसीरामत ने तो यहाँ तक इस एक रिवायत पेश की कि हज़ूराम ने फरमाया कि जब हशर का मैदान कायम होगा जी तो मलाइका हशर हातिफ़ निदा देगा कि आबिदीन खड़ा हो जाए तो मेरा ये बेटा अली बिन हुसैन जो है ये उठकर उठ कर खड़ा हो गोया इस दुनिया में हुजूर ने बताया कि वो इस कदर इबादत गुजार होंगे कि जैन आबिदीन के लकब से मरूफ़ होंगे और हशर में भी वो आबिदीन की शान के साथ खड़े हो जाएंगे यानी ये असमतें आखा ने जो खबर दी है आज मैं ये ख़ुशी महसूस कर रहा हूँ और आपके साथ अपने दोस्तों के साथ इस खुशी को शेयर करके सादत समेट रहा हूँ कि ये जब हुजूर ज़िक्र फरमा रहे हैं तो लखत का नकुम फी रसूल उस्वातु। हमारे लिए भी ये ज़रूरी है अल्लाह हम भी सैदाद के पेशर जो हैं उससे उस अपनी महाफिल को आबाद करें लक मुबारक नाम अली लकब मुबारक जैनदीन सयद सजाद और सब के मैदान में चुके नस्ल रसूल को बचाने के लिए अल्लाह का सूर्य कौसर में वादा था अपने अबीब हाँ। से आपको मुब्तलाए बुखार करके हिफाजत की गई दूर सल्लम के नस्ब मुबारक और नस्ल पाक की इस हवाला से आपका मुबारक लकब आबिद बीमार अच्छा आबिद बीमार भी सही तस्करो है मारूफ है आपका मुबारक लकब अल्लाह इज़्ज़त हमें उनके दर दौलत से वाल मोहब्बत नसीबी क्या खूबसूरत बात आपने फरमाई जनाब डॉक्टर शबीर अहमद जामी साहब ये जो सैदुलसाजदीन हैं ये जो इबादत गुजारों की ज़ीनत हैं ये जो सजद करने के सरदार हैं इनका दौर जवानी कैसा था हसन व जमाल कैसा था इबादत और रियाज़त, अखलाक और किरदार और मैं तो यानी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने नस्ल रसूल करीम सलील वसम को आगे बढ़ाने के लिए जिस हस्ती का भी इंतवाब फरमाया है उसके जमाल ज़ाहिर बातन में तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती रहीम ये हम सब के लिए बहुत सादत की बात है कि सैदना इमाम जैनदीन अलैहिस्सलाम का बहुत खूबसूरत तस्करा चल रहा है इन शख्सियात के मुतले के लिए किबला निजामी सब जिन चीज़ों को बड़े गौर से देखना चाहिए न एक तो ये होता है कि अल्लाह तरत सलीमा किस तरह की दी है सुबह बातिन की तहारत का गहरा संगम क्या बात जिसका बातन भी पाक है जिसका ज़ाहिर भी पाक है ततहिर की, की मुहर लगी हुई ततहिर की मुहर उसके दिल रूह और दिमाग की क्या गहरी कैफियत होगी सुबह फिर दूसरा ये देखना पड़ता है कि उस वक्त मवा कौन से दस्तियाब थे लेने के सही इल्म के मनाबे मौजूद हैं, इबादत के मनाबे मौजूद हैं, है तहारत की गहरी कह कशाये है रूहानियत रूहानियत के सरचस में मौजूद हैं, उस झुरमट में परवरिश पाने वाले छोटे अली इमाम जैनदी अल्लाहम की क्या गहरी कैफियत बन जानी चाहिए थी सुबह जिसका फिर उन्होंने अमली मुजाहरा करके दिखाया हालांकि आम तौर पर होता यह है कि इबादत गुजारी के लिए बहुत साजगार माहौल भी चाहिए होता है अगर अगरचे इनको ज़्यादा साजगार माहौल नहीं मिला उस आजमाइी माहौल में इतनी इबादत करके देना ये इनका बहुत बड़ा तुर्राई इम्तियाज़ है बेश हजूलबीक्रम सम की तरबियत का और हज़रत फ़ातरा सलाम्ल् की तरबियत का और हजरत अली रजी अल्लाह के मकाम पर होने का रंग। आहा, आहा, और हजरत इमाम हसन की हिल्म इम हुसैन की जरूरत ये जो एक कामिल ये हिस्सा किस को मिल सकता है इस वजह से यहाँ आपको हर शोबे में कमाल नजर आयेगा जी आमतौर पर लोग ये समझते कि शायद इन लोगों के अंदर मेहनत का जज्बा नहीं होता जी इनके अंदर लगन का जज्बा नहीं होता बनी बनाई तो मिल बनी जाती है बनी बनाई चीजें मिली है लेकिन यहाँ आपको अलग रंग मिलेगा बेशक आप बकायदा زید بن اسلم जैसे मौला ऐ... हजरत उमर रजी अल्लाह तआलानों के पास भी जाकर बैठते थे।, थे और मिंबर और रौजाए रसूल के दरमियान रियाजुल जन्नत में मिंबर इस्तफादा तमाम مناب سے علمی फैज लेते थे और حضور نبی اکرم صلی اللہ وسلم की हदीस मुबारका को चुनते थे ताकि वो फैज उम्मत तक पहुंचाया जा सके तो ये रंग भी आपके नजर आता है फिर लोगों ने उनको इबादत करते हुए देखा जी यहां इबादत के बारे में दो जरा मैं कह दूँ जरूर एक तो इबादत की जाती है सवाब की खातिर जी एक इबादत की जाती है जन्नत की खातिर सही एक इबादत की जाती है खुदा की रहमत हो फैज़ का मुजाहरा करने के लिए अल्लाह आपको जजाद इस तीसरी जगह पर हमेशा ये खड़े होकर रहते थे क्योंकि असल मकसूद ये था कि उम्मत तक और पूरी इंसानियत दीन की बरकतें पहुँचाई जाएँ तो दीन की बरकतों पहुँचाने का सबसे बेहतरीन जरिया ये होता है के पहला बंदा वो जरफ़ तैयार कर ताकि वहां रहम दे हों ताकि जो भी आकर मिलता था ना तो एक दफा देखता जरूर आ जाता था क्या कहते बार? आपके चेहरे मुबारक से अनुवार की इतनी शुआ फूटती थी बल्कि वो जो जहर बातन की खूबसूरती का आपने जुमला फरमाया अगर नस्ल रसूल के बारे में सल्ला से ये जुमला कह दिया जाए हजूर नबी अक्रम सल्लम की शक्ल इन चेहरों से झलकती नजर आती है और ये मंजर क्या मत तक रहेगा तो इससे बड़ा और खूबसूरती क्या कहने क्या कहना उस, क्या उस जमाल का रंग क्या होगा सुबह आपकी इबादत देख लें आपका रंग खशियत देख लें अल्लाह यहाँ जरा खशियत का एक पहलू जिस पर हो सकता है लोग खशियत क्यों होती है हमेशा याद नहीं खशियत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी चीज का डर है तो हजूर नबीम सलम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का सबसे बड़ा महबूब भी हूँ और अल्लाह से सबसे ज्यादा मैं डरता भी हूँ क्या कहना हैबी अक्रम सलाम की जो खशियत की कैफियत वो नस्लन नसला नाप आपके शगिदों में सहाबा में और फैजी में, में बड़ा जोबन बन कर सामने आई ये रंग भी यहाँ नजर आता है और फिर लोगों ने देखा कि आप खाना काबा में जाते थे आप इबादत की जगहों पर बैठे होते तो थे वो इस्लाम का जो असल मगज है ना आज उम्मत <laughs> मुस्लिम क्यों उसाल का शिकार है हम दीन के शायद जहर पर खड़े हो गए हैं जी हमने दीन को सही माने में दिलो दिमाग और रूह पर उतारा ही नहीं है शोरी तौर पर उससे शोरी तौर पर हम उस जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं जितना खलूस नीयत चाहिए जितना जज्बा अमल चाहिए जितना उसकी बरकत के हसूल के लिए मेहनत चाहिए उसके लिए इन शख्सियात का तस्करा हम क्यों करते हैं ये उसका नमूना काम लोग हैं बेशक इनकी ज़िंदगी को पढ़िए इनका हसूल इल्म देखिए इनकी खशियत देखिए ज़ाहर वातन में बरकतें और रहमत चक्की हाँ 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 सुबह अल्लाह बहुत खूब जामी साहब मोहम्मद अशफाक मदनी साहब सानह करबला तारीख़ इस्लाम के अजीम तरीन सान में से है और ये एक ऐसा अजीब सानह हाँ है जो वकू पज़ीर तो हुआ एक ख़ास लम्हे ज़मान में लेकिन इसकी बुनियादें बहुत पहले रख दी गई थी और उसके बाद ये सदियों चलता रहा बल्कि किसी न किसी शक्ल में ये अब तक मौजूद है तो हमें हज़रत इमाम जैन अलाबिदीन का किरदार और आपकी मौजूदगी करबला में और उसके बाद कोफा व दमिश के बाज़ारों और दरबारों में और मुझे कहने दीजिए कि वो दरबार भी जो कोफा व दमिशके के थे दरअसल वो भी बाजार ही थे बेशक उनमें किस तरह से आपका किरदार हम देखते हैं किबला निज़ामी साहब ये हमारे लिए खुशबी की बात है कि हम अपने मोहसिन की बात कर रहे बे हैं बेशक कि हम तक जो तोहीद पहुँची है और सदियों बाद तो जो है वो अपनी असली सूरत में आज भी मौजूद हुआ मुख्तलिफ फिरके बन गए जो है वो गिरोहबंदी बंदी हो गई लेकिन तोहीद जो है वो अपनी असली सूरत में मौजूद है मुसलमानों में अलहदिल्ला और इसी तरीके से रसूल हाशमी सल वसल्लम की खत्म नबूत का जो फैज़ान है वो भी असली सूरत में उम्मत में मौजूद है और तीसरी बात हमारे दरमियान जो कुरआन बिल्कुल मिनुआन मौजूद है, है ये फैज़ान है इमाम जैन दिन का एक वक्त इस्लाम पर ऐसा आया है कि करबला के मैदान में वो तमाम साजिशें अपने अपनेज पर थीं कि इस्लाम की हकीकत को मस्क कर दिया जाए और इस्लाम जो है वो अपनी शनाख्त बरकरार न रख सके उस शनाख्त को बरकरार रखने में हजरत इमाम आली मकाम ने अपने रोफक अपनी औलादें और अपने भतीजों के अमरा वो कुर्बानी दी कि जिसको तारीख हमेशा क्यामत तक और क्यामत के बाद भी उसको याद रखा जाएगा और जो तारीख रकम हो रही थी और उसमें जाने कुर्बान की जा रही थी और इस्लाम को बुलंद किया जा रहा था और उसके लिए अब्बास ने अपने बाजू कटवाए हजरत गर्दन पेश की। हजरते जैनब ने क्या क्या जैनब ने कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की तो अब वो जो झंडा बुलंद हो रहा वाँ वाँ। था और उसके लिए ये खून की नदियां बह रही थी उस खून और आग के दरमियान उस शमा को रोशन रखने में जो किरदार इमाम जैन ने अदा किया है वो यकीन जो है वो भुलाया नहीं जाएगा इमाम पाक ये वही अस्थी हैं जिन्होंने तमाम मनाजिर को अपने दुखों, अपने दुखों, दर्दों और अपनी जी तकलीफ के बावजूद अपनी शख्सियत में अबजर्व किया एक एक लमे को देखते रहे और तड़प तड़पते भी रहे बिलखते भी, भी रहे और वो तमाम तर शहादतों को अपनी आंखों के सामने देखा और फिर यजीद ज़दा माहौल क्या यजीद अच्छा यजीद ज्यादा माहौल क्या में, अच्छा और फिर दर्जनों साल जो हैं वो तमाम तरह-चाहार सूर से और हर जिहद से तकलीफों के अंबार आपकी तरफ आने के बावजूद आपकी शख्सियत पर जो है वो गमों के पहाड़ लादने के बावजूद आपने अपने बाबा हुजूर के मिशन को जो है वो बरकरार रखा ऐसे बरकरार रखा कि आप तो करबला के मैदान में भी देखें जो शब आशूर की बातें हैं वो भी Allah. तो इन्होंने हमें बताई हैं और फिर जो सुबह आशूर थी उस वक्त क्या कुछ हो रहा था अलामा साहब हम कह सकते हैं कि हज़रत इमाम जैन अलाबिदीन सान करबला के ऐनी शाहिद भी हैं शाहिद। और असरी मौरख भी हैं अब यहाँ पर किबला देखें आज कई लोग ऐसे हैं जो आहले बैत अतहार मोहब्बत जिनके दिलों में रब ने रखी नहीं है वो मोहब्बत नहीं करते ये कैसे हो सकता <laughs> इंसान हो और वो Allah आहले बैद से मोहब्बत करे इंसान हो मैं नहीं हो। की बात नहीं कर रहा इंसान हो और वो मोहब्बत ना करे ये हो नहीं सकता उनके दिलों को रब ने मुंतब नहीं फरमाया है इनकी मोहब्बत मुंतब सीनों में जो है ना वो नूर और रोशनी फैलाती है तो वो आहले बैत अतार जो है वो करबला के अंदर उनके ऊपर इतनी

से अथरू बहा के का करते थे मैं जनाब अली असगर को कैसे भूल जाऊं अली अकबर है है। को कैसे भूल जाऊं मैं अपने बाबा जाऊर को कैसे भूल जाऊं वो बातें सारी भूल गए हो जो उन्होंने मदीने में बैठ कर बयान की है तुम किताबों को लेके बैठ गए हो कि किताबें फुला सदी में लिखी गई हैं फुला सन में लिखी गई हैं तो उससे तुम मशकूक बनाते हो कर बन कर्बानियों को और फिर आप इनके खुतबात को देखें कि पहुंचे कैदो बंद की सोबतें उठाए हुए हैं अपने बाबा हुजूर के जो है ना मुबारक जसदे अकदस को जो है वो खून में लिथड़ा देख लेने के बावजूद भी आप जब कुफा में खड़े हुए हैं अपनी मिला है तो लोगो जो मुझे पहचानता है वो तो पहचान जो मुझे नहीं जानता वो जान ले मैं शहजादा रसूल इमाम हुसैन का बेटा मैं उनका बेटा हूं जिनके ऊपर जुलम के पहाड़ जो है

कर दिया है और हमारे बाबा के साथियों को शहीद कर दिया है और हमें कैदो बंद की सोबतों में तुमने उठा दिया है क्या समझते हो हम हिम्मत हार जाएंगे हम हक को देंगे, ये याद रख लो हम तो इन शहादतों पर फखर हैं हमने तो बदर में भी फखर किया हमने फ्र किया हमने खैबर में भी फखर किया हमने तो शाब अभी तालम में भी तुम हमें तोड़ नहीं सकते हो तुम हमें जो है वो अजियतों का सामना तो करवा सकते Allah हो लेकिन हमें बातिल के जो है ना वो साथ खड़ा नहीं देखोगे और फिर दमिश्क के अंदर भी ये वहां पर यजीद कदा के अंदर जब खड़े हुए तो आपने यही लोगो सुन लो, मैं पिसरे और सफा हूं फातमा तो जहरा हूं मैं इमाम हुसैन और बेटा हूं हमारी शुजात को तुम तोड़ नहीं सकते हो और उसी वक्त जना अजान का हुक्म दे दिया यजीद ने और अजान हो रही थी इमामे। इमामे हुसैन का शहजादा इमाम जैन खामोश हो गए और जैसे ही कहा, शादु बता तो सही मोहम्मद ये की बात हो रही है लोगों की जो है ना वो बुका थी और वो फुगा का शोर था माँ दमिश्क के जुलमत कदा के अंदर और तक के लिए जुर्रत ने बता दियान तबलीगी सरगर्मियां बहुत माशाला माशारा। प्रोग्राम जारी रहेगा आप हमारे साथ रहेंगे अभी हम थोड़ी देर के लिए शादत हासिल करते हैं द्रुद पाक सुनने की बहुत जल्द दोबारा आपकी ख़िदमत में हाजिर होंगे आप देख रहे हैं कि हम हज़रत इमाम जैन आबिदीन को बिल्कुल एक नए तनाज़ुर में और आपकी जिद्द जहद को नए जाव्य नज़र से देखने की और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इस ईमान अफरोज़ गुफ्तु में हमारे साथ रहिएगा अभी मिलते हैं असलकम नाजरिन कराम आपको सुबह नूर में ग़ल मीनुलद्दीन निजामी दोबारा खुश आमदी कहता है हम आज गुफ्तु की सदत हासिल कर रहे हैं सैदुलसाबरन सैदुस्साजद्दीन हज़रत इमाम जैनिद्दीन की ज़ात वाला सिफ़ात आपकी खिदमात और आपकी अजमत किरदार के हवाले से आपने भी इतमाम हजत किया अपनी जगह पर हम ये देखते हैं कि अहल बहते अतःार ने साना करबला के हर हर लम्हे में और जब तक उसका ज़ाहरी तसलसल मौजूद रहा इतमाम हजत करते रहे इतमाम हजत करते रहे आज भी उस इतमाम हजत की गूंज हमें सुनाई देती है इसलिए कि उसकी ज़रूरत यहाँ मुझे एक इब्तदाई बात करनी है और फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा बाज़ मर्रख़ीन ने बहुत सहलन से और सीरत नगारों ने बहुत ही सहूलत पसंदी से ये लिख दिया है कि वाक़ करबला के बाद हज़रत इमाम जैनिद्दीन की ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरी है कोई ये अकल फ़िरासत वाली बात इंसानी अकल मान सकती है ये बात आपकी ज़िंदगी जो वाक़ करबला के बाद है वो एक समंदर की सी जिंदगी है जिसकी सतह खामोश है और उसके अंदर तला तुम रेजी ये कहना मुमकिन कैसे है कि जिसने अपना सारा ख़ानदान अपनी आंखों के सामने ज़िबा होते देखा हो जिसने लाशों की बेहरमती देखी हो जिसने बच्चों को शहीद होते हुए देखा हो वो पुरस्कून रहेगा बाकी ज़िंदगी इन्हें हमें बहुत मोहतात होना चाहिए इंतब अलफा में हमारे मेहमानों में मोहतरम पीर कमर शकूर अहमद साहब हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी साहब हैं और मोहतरम मोहम्मद अशफाक मदनी साहब हैं और बहुत ही ख़ूबसूरत ईमान अफरोज़ गुफगु और क़ खेज़ गुफ्तु हो रही है सच पूछिए तो अब मैं मोहरम पर कमर शिकूलू अहमद साहब से दरखास्त करता हूँ कि वह हमें यह फ़रमाएं कि वाक़ करबला के बाद मदीना मनवरा में हज़रत इमाम जैनिद्दीन की ज़िंदगी जिसका मैंने अभी जिक्र किया वो इबादत और रियाजत की ज़िंदगी है और तबलीग इरशाद की ज़िंदगी है और ज़ाहरा आपने किसी सियासी तहरीक में हिस्सा नहीं लिया लेकिन क्या पैगाम इस्लाम को और हक्कानियत इस्लाम को फैलाते रहना बजाय ख़ुद एक अजीम शान तहरीक नहीं है बहुत खुद और क्या उस वक्त आपकी ज़िंदगी में बैक वक्त हमें हज़रत हसन के रंग नहीं नज़र आते हज़रत हुसैन के रंग नहीं नज़र आते मोहम्मद इबन हनफ़िया के रंग नज़र नहीं आते हैं आपकी इंसान दोस्ती और आपकी जो सखावत है उस पर कुछ इर्शाद फरमाइया बहुत ही ख़ूबसूरत गुफ्तु रही और अल्लाह जजा दे आपको भी और तामीन तो आम फ़का को आप आपने सवाल समंदर को कूजे में बंद किया है यह बहुत दानशमंदाना आपका सवाल है और बहुत जवाब तलब भी है एक चीज़ मैं पहले ज़रूर फिर आता हूँ कि जितनी भी अखबार शहादत हैं जी वाक़ करबला की हजूर सैदुलशहदा इमाम हुसैन सलाम की वो ख़बरें बजरिया वही इस हालत में आप चल्ला चल्ला तक, तक पहुँची और आखा ने उनको बयान किया बिल्कुल यानी <स्थाँग> कबल अज <अस> वाक <वाकिया> शहादत ऐसा <स्थाँग> ही अखबार शहादत के रावी हुजूर रवी हजूर सल्ला खुद हैं और बादज शहादत वाक़ करबला के रावी हजरत इमाम जैनदीन इसी से अजमत वाक करबला साबित होती है अच्छा अब ये देखें ना जी ये जीत केुलमत कदा से जब वापसी होती है तो सरहे मुबारक शुहदा देकर अल्ला अल्लाह वापस आना और फिर उनको शुहदा के अजसम तयीबा के साथ अपनी रूहानी बसीरत के साथ दफन करना ये कोई मामूली काम नहीं ही। ही है मैंने एक जुमले में कह दिया आ, नहीं सफर को तय करना अपने इंतहाई प्यारों को असरों के साथ जी असरों एक दिन बाबा जान हजरत इमाम मोहम्मद बाखिर बाबा जान आप इस कदर गमजदा दिल गिरफ्तार और हर वक्त जो की कैफियत मजून रहते हैं क्या वजह है तो आपने याकूब का एक एक यूसुफ यूसफ और निगाह नबूवत ये जानती थी कि यूसफ मिल जाएगा अल्लाह इसके, इसके बावजूद की आंखें सफेद हो गई मेरे तो अठारह मेरी आंखों के सामने शहीद हुए जिंदगी में दोबारा कयाम उन्हीं का हौसला था, था जी, जी। ये एक बात दूसरी बात जो है इसके बावजूद यानी ये सारी बातें बहुत बहुत मुख्तरस की इसके बावजूद हजरत इमाम जैनदीन आलाम की हमेशा नज़र इस बात पर रही कि जिस अजीम मकसद की खातर हाँ। ये कुर्बानी दी है। वाँ वाँ वाँ। वो मकसद कहीं न जाए। के और, Allah, Allah, और Allah, Allah. आपने कुरान की तफासिर के हवाला से निकात हदीस मुबारक के हवाले से यानी हम हमारी आल सुन्नत के सबसे बड़े मुद्दस इमाम जहरी जो हैं, वह हजरत इमाम जैनदीन आम के शागिदेव करते हैं और महदसिन आल सुन्नत ने ये फरमाया कि जो रिवायत जहरी तक पहुँचे जिसका सिलसिला या इसनाद उस रिवायत को सही माना जाए क्या जा बात तो है? क्योंकि वह बर रास् ख़ ख़ान वादा नबूत से फैजले सिलसिला तो जहाब है जी <स्थिण> बर रास्त वहाँ से वो जो है वो इरशादात लेते हैं आका सल्ह वम के अब इस यानी फन हदीस त फन तफसीर और फ़िरक़ के हवाला से आपदादात यानी एक जुमले में मैं अगर यूँ अर्ज कर हूँ कि वो इरत ूम इस्लामी का जो हज़रत इमाम मोहम्मद बा़िर और फिर हज़रत इमाम जाफर सलाम के दौर में नज़र आता है उसके मुसत तो हज़रत इमाम जहर आबदी आप, आप ही ने रखी आपने रखी फिर इबादत अपनी जो है जिसकी बिशारत आखा सम ने दी थी कि शव रोज़ में एक हज़ार नफरत अदा करना यानी इसको आप देखें कि ये कहने में बहुत आसान है इतनी इबादत इस कदर इबादत अल्लाह इज़्ज़त के हजूर हर वक्त सरबूद रहना तीसरी एक शान कि हम तो दुआ मांगते हैं और दुआ मांगते हुए हम या ला ये कर दे, या ला वो दे, दे। ऐसे जैसे ला ला को डिकेशन दे रहे हैं। ये कर वो कर कुछ वो कर आधी हमारी दुआ होती है और आधे मुतालबे और तक जबरदस्त बहुत खूब आपने समेटा इस बात को हज़रत इमाम जैन ने दुआ को बाकायदा इबादत पर सुबह आपकी दुआओं के एक एक जुमले को पढ़ा जाता कमाल है मैं अर्ज करूँगा अगर <laughs> हमारी इस पे कोई एक बाकायदा प्रोग्राम रखा बिल्कुल है इबादत इबादत जो दुआएं हैं ना उसके जो उसके जुमले जो हैं उसको जरा हम खुद भी गौर करें और अपने अहबाब को भी पेश करें तीसरी चीज़ सखावत खान वादा की शान है ये हजरत हाशम कि मुबारक औलाद है बनू हाशिम हाँ 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 से है, 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 है। खुफिया सदका देना सुबह हाथों को अपनी पोस्ट पर <स्थथ> लाद कर सामान जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचाना और अपनी निगाही इमामत से मुस्तहिक और हकदार लोगों को फैजियाब करना और उनको यानी रूहानी उलूम कुरानी तफसीर हदीस ये तो है ही दीनी काम के साथ साथ जो जाहरी जहाँ सखाव हाँ हाँ इस दुनिया की जरूरियात वो भी लोगों के घरों तक पहुँचाना ये उन्हीं की शान कोई है। मेरे और आपके बस तस्करा नहीं पूरा कर सकते। तो अमलन करना तो बहुत मुश्किल है। बहुत नवाजश मोहतरम डॉक्टर शबीर अहमद जामी साहब सानह करबला के बाद हज़रत इमाम जयानलाबीन की अजीम शख्सियत में हमें जो इस्तेकाम नजर आता है और आपकी नफ्सियाती कैफियत में जो उलमी नज़र आती है मैं तो ख़ुद उसे मोज़ात नबवी का एक हिस्सा करार देता हूँ उसकी तोसी शक्ल नज़र आती है ये आपकी दुआएँ और मना जाते हैं जिनका जिक्र हुआ था वो अरबी अदब आलिया का भी हिस्सा हैं जान रूहानियत हैं रूह है सोजो गदाजें और वो अगरचे नसरी दुआएँ और मना जाते हैं लेकिन ऐसी कैफियत में है कि लगता है कि दुनिया की अजीम तरीन शायरी हो रही है और उसमें दिल और दिमाग और रूह की इतनी सैराबी है और इतनी बरक़ात है और अलिया उम्मत ने और औरद वज़ाइफ के तौर पर उनको पढ़ा है इस तनाजुर में आप कुछ हमें आगाही फरमाइए बसमिलीम हजरत इमाम जैन अब्दीन आल्लाम का बहुत खूबसूरत और जाम तस्करा चल रहा है तो आपकी शख्सियत का जो एक रंग आपने फरमाया और वो बड़ा खूबसूरत आपका जुमला था कि आपकी कैफियत समंदर की थाहिररा में सकून का मत नजर तो आपने उस अगरचे कर्बनाक माहौल से आप गुजरे जमाइशों का भी बहुत थका देने वाला माहौल आपने थका देने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी सबर की कैफियत हेलम की कैफियत वकार की कैफियत हिकमत व तदब्बर का गहरा रंग नजर आता है, है। शख्सियत मायूस और डोली नजर नहीं आती नहीं है। कायदाना रंग नजर आता है इनहराफ नहीं बल्कि इन बहुत सारे हौसला पकड़ हजूर के फैजान का ये रंग भी है की ठीक है जो होना था वो तो हो गया सुन और जिनकी बाथे पर बदबखती लिखी जानी थी वो भी हो गई आखिर किसी को तो सैदुल शहदा की उस टाइटल की जगह पर होना था ना अल्लाह वो रंग भी आप समझते थे लेकिन बहरल जिसने ने आपको इबादत करते हुए देखा आपके मामला में खदमत खल का पहलू देखा आपके ज़माने में सियासी उमूर पर भी पैसे होती थी लेकिन आप चूँकि समझ गए थे कि अब मसाइल को सुलझाने वाला माहौल नहीं है ये झाव पैदा होगा अब तो की, की, की वजह भी यही थी जी। हमेशा बैसे वहां की जाते जब माहौल के सुलझने का इम्कान हो जब ये पका हो कि नहीं तबसरा करने से बातें करने से शमूलियत से मजीद उलझाऊ बढ़ेगा तो ये उनकी दानिश मंदाना मख्सी और दीन के बाकी उमूर पर गहरी नजर बिल्कुल ये उनके हकीबाना रबिये की अकाशी करती है फिर उसके बाद जिन लोगों ने उनको देखा कि वो मनाजात के जुमले और मनाजात का रंग सुबह इस पर शावली शाहवली जैलबी ने एक कायदा लिखा है वो कहते हैं जिस बंदे को कसरत इबादत की आदत पड़ जाए ना जी। और उसकी फितरत सानिया बन जाए अब इनसे बढ़कर किन की होगी वहां तीन चीजें खुद नुमाया हो जाता अच्छा। है पहली चीज तो आ जाती है शमूल रहमत सुबह यानी उनके हर मामले में रहमत झलकती नजर आई दूसरी होगी हलावत मनाजा क्योंकि माले की हकीकी के साथ उनके जो लाडो प्यार का और मोहब्बत का जो रंग होता है उसमें मनाजात करते रहने को बड़ा दिल करता है शुक्रने की इससे बढ़कर कैफियत की अदायगी का करीना कोई दूसरा ताकि अनु इलाया हो वाद। वाद। ये कसरत इबादत के तीन सम्राट निकलते तीनों के तीनों सम्राट हजरत इमाम जैन थे तो फिर लोगों ने देखा कि आप एक दफा खाना काबा गए और रात के वक्त आपने हिजाब सुभान अल्ला, अल्ला, सुभान और इतना जाकर वहां आपने गुफ्तु की अल्लाह <स्थित> ताला मैं तेरा बंदा नहीं मैं तेरा छोटा बंदा अल्लाह मैं उबैद हूँ अल्लाह मैं फकीर हूँ अल्लाह मैं तेरा मोहताज हूँ फिर वहां जो आपने जुमले अदा किए अरे अल्लाह ताला मेरे इतने गुनाह हो गए होंगे जो रेत से बढ़ जाए दरख्त के पत्तों से बढ़ जाए तेरी रहमत की कोई हद नहीं तेरे क्रम की कोई हद नहीं तेरे उफू कोई हद हाई नहीं हाई हाई हाई। और वहाँ जिस अंदाज से दिल की और रूह की गहरी कैफियतों से आपने वो सोज भरा माहौल बनाया हार बंदा गमनाक था कि यार ये कौन सा बंदा है जिसको इस के आखिरी करीने भी आते हैं। जब आपके चेहरे से पर्दा उठा तो सब इमाम के सामने कमाल बंदगी का मुजाहरा कर रहे सुबह अल्लाह सुबहानल्ला मोहतरमा मोहम्मद अश्फाक मदनी साहब सैदुना इमाम जैनिदीन ने फरजदक शायर को अपनी मदा करने पर बशारत जन्नत ताफरमाई थी हम भी उम्मीद करते हैं उस दर फैज पर कि आप हमारी आज की खिदमत को भी कबूल फरमाए मुनाजात की जो बात फरमा रहे थे अलामा शबीर जामी साहब उसमें जो बहुत ही काबिल गौर एक चीज है जो हमें बहुत महसूस करनी चाहिए कि उन्होंने हमें आदाब दुआ और आदाब मुनाजा भी सिखाए उनसे ज्यादा कोई अल्लाह का शिकवा अगर करता तो नाबजा होता एक लफ्स शिकवे का नहीं है सारी मनाजात में जितनी मुनाजातें भी लिखी गई है शुक्र गुज़ारी है और इजहार मोहब्बत है तभी वो हलावत मौजूद है जिसका जामी साहब जिक्र फरमा रहे थे आज हम इस माशरे में जो अलमनाक तरीन एक तरह से दौर हम उससे गुज़र रहे हैं अकायद के अतबार से अमाल के अतबार से अखलाकियात के अतबार से हज़रत इमाम जैनिदीन की हयात तयबा में हमारे लिए क्या क्या दर्स है <coughs> किबला साहब इमाम आबिदीन वो शान शाना नूर हैं कि जिनको कोई भी शख्स किसी भी जहत से देखेगा तो उसको रहनुमाई मिलेगी अगर कोई अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते पे चल रहा है तो उसको यहाँ पर नूर नजर आसा इनकी ऐसी तरबियत है कि इन्हें रब्बुल रब्लमीन ने वो फैज़ान अता फरमाया है कि कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको रब ताला अपनी ज़ात के मामले में हजरत तमाम बना देता है ये वही हस्थियाँ हैं कि जिनको हजरत तमाम बना दिया गया है जिनको उम्मत के लिए वो खूबसूरत रहनुमा बना दिया गया है कि जिनकी एक एक अदा के अंदर खैर है एक एक अदा के अंदर बरकत है आपके वालद ग्रामी कदर हजरत इमाम अली मकाम इमाम आली आर्श मकाम ने एक दफा कहा था तो तो मुस्कुराए हजरत इमाम मुस्कुराए और कहने लगे मेरे बेटे तुमने बड़ा मुसरत मुझे जवाब दिया है और तुमने वो जवाब दिया है जो हजरत इब्राहिम ने जबनीक से

ने खत्म नहीं होती है। इनकी अजमतें खत्म नहीं होती हैं इनकी रिफातों को जो है वो हमारी अक्ल का मुर्ग पहुंच नहीं सकता क्या? है हम तस्वुर जहां तक ले जाना चाहें हमारा तस्वुर थक जाएगा इनकी रिफात शान जो है उसको हम नहीं पहुंच सकते हैं आज इस दौर में हजूर जो इनकी शख्सियत से सीखने का पहलू है वो गरीबों की मदद कीजिए गरीबों की जो है ना वो मदावा कीजिए आज जख्म देने वाले तो बहुत हैं मरम लगाने वाले नजर नहीं आते आज आज जुदाइयां डालने वाले तो बहुत हैं और इकट्ठा करने, वाले, वाले, नजर नहीं आते आज धोखा हाँ। देने वाले तो बहुत हैं राह दिखाने वाले नजर नहीं हाँ। आते ये वो अस्थि हैं जो गरीबों की मदद ऐसे किया करते थे कि रातों को सामान उठा उठा सुछा गरीबों के गरीबों के दरवाजों पे रखा करते उनको पता भी नहीं होता कि कौन हमारे घर के ऊपर जो है हमारी फरियाद को पूरा सुबह हमारे गम को खुशी में बदल के चला गया है ये तो बाद में जब पता चला तो उनके कंधों के ऊपर उनकी पीठ के ऊपर निशान लगे हुए थे गरीबों की मदद करते करते इमाम जैन दिन दुनिया से गए मोहब्बतें ऐसे बांटी कि किसी ने कहा कि फुला बंदा आपकी बड़ी हिब्बत करता है तो आपने कहा चलो उसके दरवाजे पर चलते हैं उसके दरवाजे पर गए और जाके कहा मियाँ जो तू मेरे लिए अल्फाज कहे हैं अगर तू सच्चा है तो मैं अल्लाह से तोबा करते झूठा है तो फिर मैं

मोहम्मद और अली हैं हज़रत इमाम जैनलाब्दीन और अहल बैत अतार यानि पंच तन पाक के मारफ़ अगर हासिल करने हों तो उसका दरवाज़ा है हज़रत इमाम जैनलाबिदीन सो उनसे हमें अपना रहना चाहिए वाबस्ता रहना चाहिए और उनकी मनाजात उनकी दुआएँ मिलती हैं वो हमें पढ़नी चाहिए उससे हमारी रूह को भी तस्किन मिलेगी हमारा ईमान भी ताज़ा होगा और हम बहुत सारी उनसे बच जाएँगे उलझनों से हम ख्तम पर नारा लगाते हैं और उसके साथ ही बारगा इमाम आबिदीन आलाम में अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब हदय मन पेश करेंगे अभी हम नारा लगा के मनकबत सुनते हैं अख्तर हुसैन कुरैशी साहब से पाकिस्तान का मतलब क्या जनाब अख्तर हसैन क़ुरशी साहब

वज जान लुटाने को खड़ा है जन्नत के इवज जान लुटाने को खड़ा है

疼了。